वेलकम गाइज, जीके एम्स क्यूज एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एम्स क्यूज एम के चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डेली नेव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यानी कि रेडिएशन एंड डबल नेचर ऑफ मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से किस प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन है, यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा दुगनी हो जाए तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में बदलाव होगा। दिमाग लगाना है और आपके अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग पहले टिक आपको लगाना है। राइट ऑप्शन हम आपको बताएंगे आपके टिक लगाने के बाद। ऑप्शन है 1/√2, √2, 1/2 या फिर 2। यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाए तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में बदलाव होगा। काइनेटिक एनर्जी डबल हो रही है। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1/√2, फर्स्ट वाला। चलते आगे, वी आवृत्ति वाले पोटोन के साथ संवेग जुड़ा हुआ है, यदि प्रकाश का वेग सी हो तो संवेग होगा SV/c² HV/c V/c या फिर HVc। वी आवृत्ति वाले पोटोन के साथ संवेग जुड़ा है, यदि प्रकाश का वेग सी हो तो संवेग होगा। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका HV/c, बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर देना आप, तो आने वाले वीडियो में इसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। यदि किसी धातु के सतह पर आपतित होने वाले प्रोटॉन की आवृत्ति दुगनी कर दी जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगी दुगनी, दुगनी से ज़्यादा नहीं बदलेगा इनमें से कोई नहीं जी, बिल्कुल। यदि किसी धातु के सतह पर आपतित होने वाले प्रोटॉन की आवृत्ति दुगनी कर दी जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगी। टिक लगा दिया होगा, बेसिकली आपने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो आप। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दुगनी से ज़्यादा। ईमानदार से बताना कि किस किसने सही किया था ये वाला। अगला क्वेश्चन, फोटोसेल आधारित है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। फोटोसेल किस पर आधारित है गाइस? टिक लगा लिया होगा आपने, नहीं लगाया तो लगा लीजिए, आपका ही फायदा है, आपकी एक्सरसाइज होगी, आपका ही फ्यूचर सही होगा। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, यानी कि फोटोसेल किस पर आधारित है? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है गाइज, आपके लिए जिंदगी भर काम में आएंगे ये क्वेश्चन। यदि विराम से एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभांतर आरोपित कर त्वरित किया जाए तो उसकी गति ऊर्जा होगी 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल या फिर 7.6 × 10⁻¹⁹ जूल, 1.6 × 10⁻¹³ जूल या फिर इनमें से कोई नहीं। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन की तरंग लंबाई 1 नैनोमीटर है, इनमें किसके स्वे का मान अधिक है? इलेक्ट्रॉन फोटोन दोनों के संवेग के मान तुल्य है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों के संवेग के मान तुल्य है। नेक्स्ट, एक प्रोटॉन की ऊर्जा 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यदि विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम के किसी भाग में स्थित होगा, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम किस भाग में स्थित होगा? एक्सरे, वायरे, माइक्रोवेव या फिर
इनमें से कोई नहीं, गामा रेज आप बोल सकते हो। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका एक्सरे। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति के वर्ग के, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के, आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के, आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के वर्ग के। राइट ऑप्शन इज आपतित प्रकाश की आवृत्ति के। नेक्स्ट, कार्यप्लन आवश्यक ऊर्जा है। परमाणु को उत्तेजित करने के लिए, एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए, परमाणु की छानबीन के लिए। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए, वो होती है कार्यप्लन आवश्यक ऊर्जा, जो एक इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकाल सकती है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है आपके। अगला क्वेश्चन, दिए हुए किस धातु का न्यूनतम कार्यप्लन है? सोडियम, बेरियम, लोहा, तांबा। किस धातु का न्यूनतम कार्यप्लन है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सोडियम का। चलो जी आगे, प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की एथोड यानी कि दलीय आवृत्ति है, जिस पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन का वेग महत्तम होता है। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर न्यूनतम होती है। इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रकाश इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होते हैं। द्रव्य तरंग की परिकल्पना प्लांक ने, थॉमसन ने, आइंस्टीन ने, डी ब्रोगली ने। देखो, इनके अलावा भी किसी टॉपिक पर आपको एमसीक्यूज चाहिए तो बोल देना, उसके ऊपर हम एमसीक्यूज बना देंगे। हार्मोन हो गया, विटामिन्स हो गए, पाचन तंत्र हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, किसी के ऊपर भी बनाना हो, मसल्स हो गए, जो भी आपका दिल का है, मन के, जिस भी टॉपिक में आपको डिफिकल्ट हो उसके ऊपर हम एमसीक्यूज बना देंगे, राइट। और फिक्र आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपके लिए रोजाना वीडियो नॉन स्टॉप डेली एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। पूरा फोकस आपके ऊपर है, क्योंकि आपके लाइक इतने सारे आते हैं, ठीक है। और लाइक तो लगभग सभी कर रहे होंगे। और इसी चैनल पर नहीं, आपके लिए तो एक और चैनल बना रखा है जिसका नाम है जेके लोन जॉब चैनल। लिंक नीचे दिया हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है, इसको भी जाके फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, आपने चूज कर ही लिया होगा। द्रव्य तरंग की परिकल्पना क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डीएन की डी ब्रोगली ने। चलो जी आगे, डी ब्रोगली तरंग दे रहे है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डी ब्रोगली तरंग दे रहे है एच बॉन एम वी एच एम वी एच वी एम सी स्क्वायर पॉन वी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। चलो जी आगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। प्रकाश के तरंग प्रकृति के कारण, प्रकाश के कण प्रकृति के कारण, दोनों ही कारणों से, इनमें से कोई। बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है किसके कारण होता है गाइज? सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रकाश के कण प्रकृति के कारण ऐसा होता है। और आपने क्या टिक लगाया तो वो तो आप ही जानते हो। देखो, टिक लगाने से आप खुद का टेस्ट कर सकते हो घर बैठे कि कितने सही गए कितने गलत गए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि हमने एक वीडियो में हम कभी 15 क्वेश्चन कभी 20 क्वेश्चन करते हैं, अब इनमें से आप कितने सही करते हो ये आप ही जानते हो, ठीक है। और आपको अपने आपसे ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता। प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है प्रकाश के कण प्रकृति के कारण। निम्न में से किसकी विमाएं प्लांक नियतांक के समान होगी? बल एक्स समय, बल एक्स दूरी, बल एक्स चाल, बल एक्स दूरी, एक्स समय। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी के नोट्स हम आपको देंगे। कहाँ पर देंगे? फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, आपने फॉलो कर रखा है वहाँ पर मिल जाएगा आपको, फेसबुक इंस्टाग्राम पे। लिंक नीचे दिया हुआ है, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको नोट्स मिल जाए।
इसका राइट ऑफ में जाएगा बल एक्स दूरी एक्स समय। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर तो आपको बताना ही पड़ेगा। 10^14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटॉन की संख्या होगी। ऑप्शन आपके सामने हाजिर है। विकिरण ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या होगी कितनी होगी गाइस? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका 10^20। लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में।